हेलो गाइज, मैं हूँ जगनारायण और स्वागत है आपका क्लास 2+ यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन कल की अखबार से के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आज कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो आइए आज उस क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन काउंसिल हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप एंड अ प्लान टू बुक अ स्लॉट विद ऑल इंडिया रेडियो फॉर द ऑडियो ब्रॉडकास्ट ऑफ स्टडी मटेरियल फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। देखिए कि से स्टेट गवर्नमेंट ने एजुकेशन काउंसिल ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और एक स्लॉट रेडियो ऑल इंडिया रेडियो से एक स्लॉट बुक करने के लिए भी निर्देश जारी किया है यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये है झारखंड, ऑप्शंस हैं आपके पास झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये चार ऑप्शंस हैं। देखिए, पहला जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर है वो बिहार। बिहार, अब देखिए बिहार स्टेट एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने ये ऐप लॉन्च किया है और ये ऐप लॉन्च करने के बाद इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से भी ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग ऑफ स्टडी मटेरियल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट, गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट के लिए ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गए ऑल इंडिया रेडियो से, उसके लिए एक स्लॉट बुक किया जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है उन्नयन, इसका थीम टैगलाइन है मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। इसमें क्लास 6 to 12 के जो बच्चे होंगे उनको ये सुविधा दी जाएगी और यहाँ इसके तहत लगभग 70,000 गवर्नमेंट स्कूल हैं बिहार में, तो उस 70,000 गवर्नमेंट स्कूल इसके तहत जुड़ पाएंगे। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, ये जो ऐप डेवलप किया गया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसमें तीन ऑर्गेनाइजेशन है, बिहार गवर्नमेंट है और इकोवेशन सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इन तीनों ने मिलकर ये डेवलप किया है। ठीक है, और ये जो है यूनिसेफ के कोलैबोरेशन से तो है ही, इसके अलावा इसमें क्या क्या होगा देखिए क्लास वाइज, और देखिए बोला गया है कि इसमें जो स्टडी मटेरियल होगा वो क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल होगा, बींग प्रिपेयर्ड बाई द ब्रॉडकास्ट प्रिपेयर्ड विच विल बी ब्रॉडकास्टेड बाई एयर ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। अब ऑल इंडिया रेडियो को ही क्यों चूज किया गया? क्योंकि देखिए बिहार एक ऐसा स्टेट है, चाहे बिहार ले लीजिए या झारखंड ले लीजिए, एक ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे रूरल एरियाज में इनका प्रेजेंस, मोबाइल नेटवर्क का प्रेजेंस उतना अच्छा नहीं होता, तो इवन इंटरनेट का भी प्रेजेंस अच्छा नहीं होता। इवन मैं भी बिहार से हूँ, मैं भी अपने जब विलेज जाता हूँ तो नहीं होता है उतना अच्छा नेटवर्क। ठीक है, तो इंटरनेट ब्राउजिंग की तो बात ही भूल जाइए और बहुत मुश्किल से लोग कॉल कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन रेडियो का प्रेजेंस अच्छा है, रेडियो पे लोग गाने वगैरह सुनते हैं आज भी मोबाइल में रेडियो पे, तो इसलिए रेडियो को चुना गया है। ठीक है, और दूसरा चीज है कि बिहार देखिए काफी गरीब राज्य में आता है, तो गरीब राज्य में आता है तो इसके लिए सबके पास तो स्मार्टफोन होना बहुत मुश्किल काम है, तो कई घरों में जैसे लोग कीपैड वाले मोबाइल भी रखते हैं जिसमें रेडियो की फैसिलिटी होती है, तो वो मोबाइल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फोन और स्मार्ट बेसिक फोन और स्मार्टफोन के थ्रू भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के जो डायरेक्टर हैं वो उनका नाम है संजय सिंह। आइए क्वेश्चन के अगले पड़ाव पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री सेंट्रल बैंक हैज पिक्ड अप 1.01% स्टेक इन HDFC लिमिटेड। किस कंट्री के सेंट्रल बैंक ने 1.01% HDFC का स्टेक खरीद लिया है? ऑप्शन है द पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ जापान, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ फ्रांस, बैंक ऑफ इंग्लैंड। देखते हैं कि आंसर क्या है इसका। करेक्ट आंसर है द पीपुल बैंक ऑफ चाइना। अब देखिए पीपुल बैंक ऑफ चाइना के जो आपके गवर्नर हैं वो हैं यी गैंग, करेंसी चाइना की है वो दो है, रेनमिनबी है और युआन है। रेनमिनबी जो है वो ऑफिशियल करेंसी है चाइना की, जो एक्सचेंज के मीडियम में यूज किया जाता है। युआन जो है यूनिट है अकाउंट्स ऑफ कंट्री, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम की करेंसी है। चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग,
अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक मोटर स्पोर्ट्स पर्सन है स्टर्लिन मॉस, उनका हाल ही में देहांत हो गया है, वे किस कंट्री के हैं? फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। देखिए तो करेक्ट आंसर है इसका इंग्लैंड, इंग्लैंड के हैं। यहाँ पे स्टर्लिंग मॉस ने टोटल 529 रेस में हिस्सा लिया, जिसमें 212 वो विन किए में जीते हैं। इसके अलावा फॉर्मूला वन पे भी उन्होंने 16 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोनेरू अम्पी एंड फाइव अदर्स टॉप इंडियन चेस प्लेयर्स विश्वनाथन आनंद, विदित गुजराती, पी हरिकृष्णन, बी अधिबन एंड डी हरिका जनरेटेड फंड्स फॉर पीएम केयर्स फंड ऑन chess.com। तो ये कितने लाख रुपए का फंड इन्होंने इस chess.com से कलेक्ट किया है ये आपको बताना है। ऑप्शंस है 3.5 लैक्स, 5.5 लैक्स, 6.5 लैक्स और 4.5 लैक्स। देखिए इसका करेक्ट आंसर है डी 4.5 लैक्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जॉन फ्रोडेनो, फॉर्मर ओलंपिक चैंपियन, हु रेज्ड ओवर 2 लैक्स यूरो फॉर चैरिटी व्हाइल रनिंग ऑन ट्रेडमिल एट होम, कंप्लीटेड ट्रायथलॉन नेम ट्राई एट होम, बिलोंग्स टू विच कंट्री। जॉन फ्रोडेनो जो है वो किस कंट्री के हैं ये बताना है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड और यूएसए। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। जॉन फ्रोडेनो ने इस ये जो ट्राई एट होम जो नाम दिया था इन्होंने, जो रेस दौड़ रहे थे, इसको 8 आवर्स 33 मिनट 39 सेकेंड में कंप्लीट किया है। इसके अलावा देखिए ये फॉर्मर ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं, तो एक गोल्ड मेडल विनर हैं 2008 समर ओलंपिक में जो बीजिंग में हुआ था, ठीक है। इसके बाद 3 टाइम्स विनर हैं आयरन वर्ल्ड चैंपियनशिप, आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप के 2015, 16 और 2018 में, और दो बार ये आयरन मैन 7.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप के भी विनर रह चुके हैं 2015 और 2018 में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब हम लोग देखेंगे ऐप, मोबाइल ऐप रिलेटेड टू कोरोना वायरस, कौन कौन से मोबाइल ऐप हैं लॉन्च हुए अभी तक कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो पहला ऐप लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश ने, कोविड केयर ऐप नाम है उसका। दूसरा ऐप है रक्षा सर्व छत्तीसगढ़ पुलिस ने लॉन्च किया है। तीसरा है COVID-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप तेलंगाना ने लॉन्च किया है। प्राग्यम ऐप झारखंड द्वारा लॉन्च किया गया है। गरुड़ ऐप बिहार द्वारा लॉन्च किया गया है। बिहार द्वारा एक दूसरा ऐप भी लॉन्च किया गया है, कोरोना सहायता ऐप। उसके अलावा कोबा ऐप पंजाब द्वारा लॉन्च किया गया है। कोरोना मुक्ति ऐप हिमाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वारंटाइन ऐप आईआईटी बॉम्बे द्वारा लॉन्च किया गया है। नादी ऐप पुडुचेरी द्वारा लॉन्च किया गया है। सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप नागालैंड द्वारा लॉन्च किया गया है। कोविन 20 ऐप नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, टू हेल्प कर्व स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है और कोरोना केयर फोन पे द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इतने सारे ऐप लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके कल की अखबार से सेशन में आज इतना ही, फिर अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करें और ज्वाइन करें। आपको किसी भी मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप class2plus@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं, उसके डाउट सेशन में आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। ओके,
घर में रहें, सुरक्षित रहें और मास्क जरूर पहनें। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।